साथियों नमस्कार। ग्राम विकास अधिकारी, दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जो प्रारंभिक एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है, आप सभी को पता है। अब दोस्तों मेरिट सबसे कम कहाँ रहेगी, जो आपको 27 और 28 तारीख का एग्जाम हुआ था, सबसे कम मेरिट किस पारी की रहने वाली है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या रिजल्ट कब तक आएगा, दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, यस या नो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि सर होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ 100% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। आपके दिमाग में क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। और दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्योंकि जब विज्ञप्ति निकली थी उस समय मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है, मेंस की एग्ज़ाम डेट फरवरी बताई गई थी। क्या बताई गई थी? फरवरी, फरवरी के सेकंड सप्ताह के अंदर। क्योंकि अंतिम सप्ताह के अंदर तो आरएस का एग्ज़ाम है, अंतिम सप्ताह के अंदर आरएस का एग्ज़ाम है या फिर आपके सेकंड सप्ताह में। तो दोस्तों आपका रिजल्ट इसका, जैसे रीट का रिजल्ट दोस्तों बहुत कम दिनों में निकाल दिया था, आरएस का रिजल्ट भी बहुत कम दिनों में निकाल दिया गया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। अब दोस्तों अगर आपकी 26, 27 या 28 तारीख का कोई भी शिफ्ट हो और अगर आपने उत्कर्ष की आंसर की मिला ली हो, दोस्तों उत्कर्ष हैं और परिष्कार हैं, गंगानगर से संकल्प हैं, बाड़मेर से, उन सभी की आपकी आंसर की आपने मिला ली हैं, तो दोस्तों अगर मैं चारों शिफ्ट की मैं बात करूं, जो ऑल शिफ्ट है, जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, नॉर्मलाइजेशन दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको कट ऑफ है अधिक से अधिक दोस्तों कितनी जाएगी, 65 से लेकर 70 तक नॉर्मलाइजेशन के बाद। और दोस्तों अगर आपके 55 नंबर, चलिए मैं आप बिना नॉर्मलाइजेशन बताऊंगा, जिसे आपके कितने सवाल दोस्तों, अगर आपके सवाल 60 सवाल राइट है, 60 प्लस है जनरल कैटेगरी में आपका हो जाएगा, और अगर आप महिला कैटेगरी है तो 55 प्लस कैटेगरी आपका हो जाएगा, बाकी आपको कम से कम 40 प्लस लाते हैं, जैसे विधवा हैं, परित्याग हैं। तो ये क्वेश्चन आपके, अगर कोई बोलेगा कि सर मेरे तो 58 हैं, तो आप भी दोस्तों आप भी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा ना उस समय पता चलेगा। दोस्तों जब नॉर्मलाइजेशन की बात करें ना उनके बारे में तो ये तो आपकी होगी जनरल कैटेगरी की। अब दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 55 और 60 के बीच में जो आपके क्वेश्चंस सही हो रहे, क्या हो रहे, क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं गर्ल्स यानी महिला की मैं बात करूँ तो दोस्तों महिला 50 कितना, महिला 50 क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर मैं विधवा है या फिर मैं परित्यागिन तलाकशुदा है उनकी मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर अगर आप 40 क्वेश्चंस भी राइट करते हैं ना, क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, और मेंस आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मैं ऐसी कैटेगरी की मैं बात करूंगा, ऐसी कैटेगरी में बॉयज़ की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों बॉयज़ वाले आप 50 क्वेश्चंस तो आपको सही करने हैं, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। महिला की मैं बात करूं तो दोस्तों 45 और ये भी आपके 40 के आसपास हो तो आपका यहां पर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सिलेक्शन जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में जो आपका बात करें एससी की बात करें तो दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं या एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो दोस्तों आप 45 से लेकर 50 क्वेश्चंस, यस। और महिलाओं की बात करें 40 से लेकर 45 क्वेश्चंस अगर आप राइट करते हैं तो यहां पर आपका नंबर, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं, बहुत कम हैं, घटते हैं, एक्सरिस में दोस्तों, यस 40 प्लस,
EWS। दोस्तों 55 प्लस और 50 प्लस महिला क्वेश्चंस तो आपका यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद में यस विकलांग कैटेगरी की मैं बात करूँ, विकलांग कैटेगरी के अंदर यस तीनों पोस्ट के अंदर सबसे कम तो इसकी जाएगी दोस्तों एच की, सबसे ज़्यादा एलडी की जाएगी। एलडी अगर 40 प्लस लाते हैं, यहाँ पर भी 40 प्लस लाते हैं, और यहाँ अगर 35 के आसपास लाते हैं ना तो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसने स्टूडेंट मिलते नहीं हैं जो कैटेगरी की हम बात करें तो अब दोस्तों जिसके मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सर मेरा होगा या नहीं होगा, सर मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या वो नहीं होगा, दोस्तों आपने आंसर की चेक कर ली होगी, आंसर की आपने क्या कर ली है, आंसर की आपने चेक कर ली होगी। आंसर की के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ और रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया रिजल्ट। अब जैसे ओबीसी का कैंडिडेट दोस्तों मेरे पास आते हैं कि सर मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूँ, क्या ओबीसी का कैंडिडेट हूँ 55 प्लस आ रहा, भैया मेंस की तैयारी करो, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका रिटर्न आराम से होगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो करें तैयारी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव देते रहिए। रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और जनवरी या फरवरी के अंतिम में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। धन्यवाद।